और हमारे पति किए थे कि तुमने पूरे महाराज लपका ले। मध्य प्रदेश के सागर में बीते दिनों मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की धर्म पत्नी सबिता गोविंद सिंह राजपूत का एक वीडियो गाना सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से मकरोनिया चौराहा सागर। यह वीडियो सुर्खी विधानसभा के बिलेरा का होना बताया जा रहा है, जहां सबिता गोविंद सिंह राजपूत कथा सुनने बिलेरा पहुंची थी, जहां कथावाचक के सामने उन्होंने अपने पति के बारे में कुछ राज खोले और फिर कहा कि पति ही भगवान है। इसी लाइन पर उन्होंने एक गाना भी गाया जो वायरल हो रहा है। सबिता गोविंद सिंह राजपूत क्षेत्र में हर धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत देती है और तो कुछ ना कुछ ऐसा करती कि वो वायरल हो जाता है। अच्छी, हमने पहली बार सुनी है कि आप पैसा नहीं लेते गुरु जी, और हमारे पति किए थे कि तुमने पूरे महाराज लपका ले। सुनिए चिल्लियन लग जात दक्षिणा की, सो हमने कही लपके लिया लो तुम्हें कया करने, तुम तो सीधे अपने काम करवे निकल जाओ। हमने कही तुम्हारी जय हो जा, कोई से गलत न बोलियो, कोई से कछु न कह दो, बट तू आप तो चले जाओ, तुम्हारी जय हो जा। नहीं तो कहो के का आए, कैसी आए, का काम है ये तुम्हारे पाँव पड़े। हम तो ऊपर से पाँव करके पहुंचा थे कि तुम तो अपना काम करो, बस हमारे भरोसे रहन दो हमारे महाराज, जो कछु बन है सो दे दे और न बन है सो न दे। अरे महाराज भी हमारे पिताजी हते, हाथी बारे आती सो 8-8 दिन बेल मारते के सब जने भोजन करके जय जो महाराज तई जाओ। सो नहीं ने हमें इतना अच्छा, हमारे माँ बाप ने मुझे संस्कार और जन्म दिया है कि मैं इसमें मायके में तो ठीक ठाक, अब ससुराल में भी जन सेवा और साधु संतों की सेवा करती आऊं, यही मेरा सौभाग्य है और यही मेरा काम है। और जैसे हमारे महाराज ने कही है कि हम सबको अपने पति की सेवा और परिवार की सेवा ऐसे ही करना चाहिए जब से जब तभी अपना कल्याण हो। और गुरु जी एक छोटो सो पति को भजन सुना दे, गुरु जी हंस दो ने तुम्हारी जय हो जा। सुना दे गुरु जी, अब हंस दो ने गुरु जी, इतना ढंग से वेला आए थे। समाज तो ये लगे वहां साधा, धन्य है गोविंद के लाने, धन्य रे द्वारका धीश गोविंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। Thank you.
शर्मा सागर एक्सप्रेस न्यूज़ बुलेरा।